पीछे खड़ा होना पड़ेगा आपको। दोस्तों, इनके ताल्लुक की जरूरत क्या है? फूल जिस राह से गुजरता है मेहता खुद है। परमात्मी सुरानी स्वामी किरण द्विवेदी यहां उपस्थित सभी विपक्षी साधक मेरे विचार से तो जो अब तक अभी तक हमने सब सुना उस सब से कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता कि बिजनेस में विपसना किस प्रकार से सहायक है। मुझे गुरु जी की अभी आपने सन 2000 की एक इंटरव्यू देखा जो दावोस में मैं उनको लेके गया था, क्योंकि दावोस में सब बिजनेस कम्युनिटी वर्ल्ड ओवर से आती है। उन्होंने जो बताया आपको तो वही एक निष्कर्ष है और सुराना से भी हमने सुना के उनको किस प्रकार से बचना है मदद की एंटरप्रेन्योर बनने में। पर उसके पहले कि मैं और बात करूं आपसे, एक तो सबको आपको बधाई देना चाहूंगा आज शाम को जो लोगों ने विपसना नहीं भी की है। गुरु जी कहा करते थे, जब मैं पहली बार विपसना करने गया 1991 में, तो वही बात आज जैसे किरण जी ने पूछा कि कितने लोगों ने किया है, काफी लोगों के हाथ उठे नहीं किया है, तो मैं कहता हूं आपकी विपसना की यात्रा शुरू हो चुकी, ये आपकी पारवी है जो आपको आज यहां ले आई इस बात को सुनने के लिए, इस बात पे मंथन करने के लिए, इस बात पे चिंतन करने के लिए। यदि कोई पारवी अगर पुराने जन्मों की इसी जन्म की भी कुछ पहले की अगर पारवी नहीं होती तो आज जरूर कोई ना कोई कारण आपके मन में आ जाता या कोई ऐसी बात हो जाती जिसकी वजह से आप यहां आने का कार्यक्रम बनाए हुए भी शायद कैंसिल कर सकते, और बहुत से लोगों ने कैंसिल किया भी होगा। शायद जिन लोगों का आने का मन था वो शायद नहीं भी आ पाए, वो किसी आकस्मिक कोई काम पड़ गया और अजीब चीज आ गई, तो ये होता है। पहली बार जब मैं गया विपसना के लिए तो गुरु जी ने मुझे पहले से वार्न कर दिया कि देखो तुम्हारे बीच में बड़ी बाधाएं आएंगी, आखिरी में कुछ ना कुछ और तुम्हारे बिजनेस में कुछ कठिनाई आएगी, कुछ आएगी, तो उससे घबराना मत, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि जब इस काम के लिए करने निकलते हो तो जो शक्तियां नहीं चाहती कि आप इस कदम पे आगे बढ़ें वो आके प्रयास करती हैं आपको रोकने। तो आप यहां आए हैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई और साधुवाद। बिजनेस में कामयाब होने के लिए विपसना का क्या सहयोग हो सकता है आपने पहले सुना समझा, मैं अपने कुछ तजुर्बे आपसे शेयर करूंगा, उससे आपको जो लगे और उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे तो आई डेफिनेटली लाइक टू आंसर टू माई बेस्ट। किसी बिजनेस को या सक्सेसफुल होने, मैं ये कहता हूं बिजनेस ही नहीं कहें, सक्सेसफुल होने में विपसना का क्या सहयोग है, इस बात पे चर्चा करने ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि केवल बिजनेस की बात करें। और बिजनेस की बात में लें तो आजकल आपको काम करने के लिए अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा है तो जरूर कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक पैसा दे देंगे,
आपको अपने कुछ करने के लिए अपने आसपास रिश्तेदारों से दोस्तों से पैसे की जरूरत होती तो वो भी ले लेंगे, मिल जाएगा। मार्केट रिसर्च वाली बड़ी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बता देंगे आपके बिजनेस प्लान को देख के कि ये ठीक है कि नहीं है, इसमें कुछ तब्दीली करनी है तो वो भी कर सकेंगे। बहुत सी चीजें जो बिजनेस में चाहिए, काफी चीजें अवेलेबल हैं, उसके प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको बता देंगे कि ये काम ऐसे करो, ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इसका ऐसा है, भला इस तरह की बातें होती। लेकिन कुछ चीजें कामयाब होने के लिए आपको ठीक निर्णय लेने की शक्ति आप में होनी चाहिए, यानी आपका दिमाग, आपका सोच, जैसे किरण जी ने कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए, वैसे मैं कहूंगा कि अगर ठीक डिसीजन लेंगे तो बिजनेस में क्या किसी भी प्रोफेशन में आप कामयाब होंगे। अब विपश्यना किस प्रकार से ठीक डिसीजन लेने की आपको क्षमता बढ़ाती है इस पे बात भी करेंगे, लेकिन एक विषय ये। दूसरा, बिजनेस करते समय में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ी कठिनाइयां आती, तो अपने जीवन की मैं बताऊं आपको घटना, 2008 में इंडिया में क्या विश्व में रिसेशन आया, उस समय हमारे बिजनेस में हमें भी बड़ी तकलीफ हुई। उस समय उससे पहले आईसीएल, मैंने इंडिया क्रिकेट लीग चालू किया था, वो बंद हो गया, कुछ और कमिटमेंट्स की हुई थी खराब हो गए, यानी रात को नींद नहीं आया, विपश्यना साधक होते हुए भी नींद नहीं आया, और साधना लगभग रोज ही करते थे। तो मैंने गुरुजी से संपर्क किया, मैंने गुरुजी ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने सिर्फ बताया, देखिए विपश्यना साधना करना बड़ी वो तो है ही है अच्छी, एक तरफ बड़े लाभ मिलेंगे, लेकिन कई बार कई बातें नहीं समझ में आती है। मैं 2008 की बात कर रहा हूं, उस समय तक तो मैं लगभग यानी 92 से लेकर के 2008 तक का सफर 16 साल का हो चुका था, 15-16 साल, और उस समय तक 12-14 कोर्स तो कर चुका हूं मैं जरूर। तो पूछा उन्होंने बात की, तो बोले देखो भाई, जब उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, उस समय उस बात से अगर तुम डर गए, और डर एक ऐसी चीज है, बड़ी भयंकर बीमारी है, ओके, इट मल्टीप्लाइज बाय एवरी मिनट। जब जहां डर लगना शुरू हुआ आपको, और किसी भी बात से डर लगना शुरू हुआ, आप जीवन में आप लोगों के साथ भी तजुर्बा हुआ होगा ऐसा, जहां आपको डर लगने लगा, और डर ऐसी चीज है कि वो मल्टीप्लाई करती, और आदमी इतना घबरा जाता है कि उस वक्त सोचने की शक्ति खत्म, रैशनल बात करने की चीज खत्म, भाई आएगा तो उससे लड़ोगे, बीवी से लड़ोगे, अपनी महबूबा से लड़ोगे, सबसे लड़ोगे, क्योंकि डर अंदर से बहुत ये हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि केवल तुम तो विपश्यना करना जानते हो, ये स्वीकार करो कि मुझे डर लग रहा है, और अपना साधना करना शुरू करो, स्वीकार करते हुए कि ये मुझे डर लग रहा है, इस समय मैं डर में हूं, डर मेरा बढ़ता जा रहा है, उसको स्वीकार करके अपने थोड़ी सी साधना करोगे, धीरे 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 डर भाग जाए, और जहां डर भाग जाएगा फिर वापस आपकी सोचने की शक्ति वापस आ जाएगी। तीसरी, बिजनेस के अंदर जो जरूरी चीज, जब कामयाब होता है आदमी बिजनेस में और लक्ष्मी का कृपा होती है, तो बहुत बार अहंकार आ जाता, घमंड आ जाता, बहुत लोगों को देखा होगा आपने, और बाद में बात भी करते हैं लोग कि भैया ये तो घमंड में मारा गया, तो और जब घमंड आता है तो गुस्सा आता था, कोई भी आदमी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो बोले यार तेरी क्या हिम्मत पड़ गई मेरे से पूछने की सवाल, और जहां गुस्सा आ गया वहां पर वो कहते हैं ना गुस्सा बुद्धि को खा जाता है वो चीज। तो ये तीन चीजें, ठीक निर्णय करने की क्षमता,
डर के अंदर ना जाए इंसान, डर और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज आखिर में ये हो सकते हैं कि यू बैक गेट डिप्रेशन, और डिप्रेशन में एक बार डीप चले गए तो निकल के बाहर नहीं आ सकोगे, चाहे कुछ भी करिए। आज अमेरिका जैसे देश में 30% लोग, 35% लोग डिप्रेशन की दवाई रोज लेते हैं और नहीं आ पाते बाहर, उनको पता नहीं है। हमारे पास तो हमारे बुजुर्गों ने, ऐसे लोगों ने ऐसी विद्या दी है, हमारे संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण से हम लोगों को ऐसा एक्सपोजर मिलता है। उन लोगों को तो कुछ भी नहीं बेचारों को, बड़ी दया थी उनको देख। जब मैं वहां रहता हूं देखता हूं, अभी तो हमने वो वहां पे हेल्थ वेलनेस अध्यात्म इसी प्रकार का एक टीवी स्टेशन शुरू किया है, वो वहीं के लोगों को सिखाते हैं, उन्हीं से बनवाते हैं प्रोग्राम अपने कंसेप्ट यहां के लेके। आज अमेरिका में लगभग 110 मिलियन यानी 11 करोड़ घर हैं अमेरिकन लोगों के, उसमें से हम 40 मिलियन घरों में पहुंच चुके हैं। और तो उसमें भी कार्यक्रम होते हैं, विपसना की भी हम चर्चा करते हैं। आज मैं वहां पे मैसाचुसेट्स में हमारा विपसना का सेंटर है, पिछले दिनों में वहां गया, तो वहां भी अब इंडियन बहुत आने लगे, क्योंकि पहले इंडियन कम आते थे, तो डीएससी शो देख के उन्होंने आना शुरू किया वहां। क्योंकि मैं अपने शो में बार बार बात करता हूं, क्योंकि यंग लोगों के सवाल आते हैं, लिखित में भी आते हैं मेल से, और वहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एप्रोप्रिएट जवाब देते हैं। लेकिन कई बार मैं विपसना का जिक्र करता हूं, भाई आपको अगर कामयाब और ज्यादा होना है तो वहां जाइए 10 दिन का कोर्स। और काफी युवा आते हैं हमारे कोर्सेज में, मैंने सुना, और बहुत से लोग लिखते भी हैं कि मैं गया था अच्छा रहा। तो ये तीन चीजें आपको बताएं, ये इन तीन चीजों में बड़ा लाभ बिजनेस में होगा आपको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय में, जैसे कि और भी लोग जो बिजनेस की बात की, आपने फिल्म देखी, उसके अंदर भी लोगों ने भी कहा, हमने भी अपने ग्रुप में किया हुआ है कि कोई भी अगर हमारा एम्प्लॉई जाए विपसना के लिए, तो उसको वी ट्रीट देम ऑन जॉब ऑन, और उसकी पूरी तनख्वाह मिलती है उसको, तो क्योंकि उसमें भी स्वार्थ है मेरा, वे जो वहां से आके काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए वो जो 10 दिन की तनख्वाह देना बहुत लाभदायक होता है। बहुत लोगों को कहा है मैंने, कहा ये इससे बढ़िया, देखिए बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछते हैं, किसी भी काम को करें तो अब पूछते हैं ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इससे बढ़िया आरओआई का बिजनेस मुझे तो नहीं मिला, कि 10 दिन का जो इन्वेस्टमेंट की वो अगले 10 दिन में क्या 5 दिन में ही रिकवर हो गए, इससे बढ़िया समय का इन्वेस्टमेंट का कोई और दूसरी इन्वेस्टमेंट मेरे जीवन में तो नहीं मिली है। जैसा मैंने पहले भी जब वो फिल्म बना रहे थे उस समय भी कहा, बाकी तो अब मेरा ख्याल से ज्यादा मोनोलॉग बात करने की बजाय अगर आपके प्रश्न हो तो वो मैं ज्यादा लेना चाहूंगा, बजाय इसके कि मैं बोलता रहूं। दर्शन जी कोठारी पूछते हैं कि आई एम ए स्टार्टअप एंड लुकिंग फॉर सम फंडिंग, हाउ टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इन दिस सिचुएशन। मुझे पता नहीं आपका किस तरह के फंडिंग की आवश्यकता है, लेकिन आजकल के युग में तो हर देश में बहुत से एंजल इन्वेस्टर, इनिशियल वेंचर कैपिटलिस्ट काफी आ गए हैं। अगर आपका बिजनेस प्लान तो अच्छा है तो जरूर आपको फंडिंग की, मुझे लगता नहीं कि दिक्कत होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है आपके प्रश्न से कि लगता है आपको, आप में कुछ निराशा आ रही है, तो निराश मत होइए, विपसना कर लो पहले, विपसना कोर्स तो करिए ही करिए, वो तो एक आज का विषय है ही है। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि एक अपने आप में विश्वास अगर रखेंगे, अपने विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है।
और शायद आप लोगों ने पता नहीं किसी ने मेरे शो देखे हैं कि नहीं देखे हैं, काफी लोगों ने देखे तो मैं ये बार बार बात कहता हूं, कुछ बार में मैंने कही है कि जब 70 के दशक में वेस्ट बंगाल में बहुत कम्युनिज्म का बहुत जोर चला था, उस समय में वहां के बिजनेसमैन छोड़ छोड़ के वेस्ट बंगाल से भागे, कोई गुजरात चले गए, कोई मुंबई चले गए, कोई कहीं चले गए, फैक्ट्रियों में स्ट्राइक हड़ताल सब जगह जगह हुई, लेकिन एक समूह ऐसा था जिसने कोई हड़ताल नहीं हुई, बिरला के समूह में कभी हड़ताल नहीं उस दौरान में। आप पूछेंगे क्यों नहीं हुई, बिरला जी ने जहां भी मंदिर फैक्ट्री बनाई वहां पे एक मंदिर बना दिया और ये कहा कि भैया जितना मैं तुमको पैसा देता हूं काम कराने का उसके लिए तो मैं आपका मालिक, आप मेरा शुक्रगुजार समझिए अपने आप को, मेरा शुक्रिया करिए, लेकिन इससे ज्यादा चाहिए जो मैं देता हूं तो भगवान जी को यहां बिठा के रखा है तुम्हारे पास, उनसे जाके मांगिए। और जब आप मंदिर में अपने किसी भी उसमें जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वहां पर प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही वो हो जाए, कुछ धन की तकलीफ है कर्जा है वो उतर जाए, तरह तरह की बातें होती हैं इंसान के गृहस्थी समाज में, गृहस्थी जीवन में बहुत सी तकलीफें आती, तो जब आप मानते हैं वहां पर प्रार्थना करके निकलते हैं आपके मन में एक विश्वास जगता है कि मैंने अब भगवान से कह दिया वो मेरी चीज पूरी करेगा, मेरी समस्या को हल करेगा। ये वो भगवान नहीं है वो आपकी समस्या हल करता है, लेकिन वो आपका विश्वास जो आपके अंदर है वो आपके काम को पूरा कर देता है इनवेरिएबली 99%। तो कुठारी जी से ये कहूंगा कि अपने आप में विश्वास न खोएं, विश्वास पूरा रखें और इस काम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनका ही दूसरा सवाल है वो बाद में लेंगे। और एक साथ ये लिखते हैं रघुवीर जी, यू ओन जी एंड यू बिलीव इन विपस्ना, वाई हैव यू थॉट ऑफ पॉपुलराइजिंग, वाई हैव यू नॉट थॉट ऑफ पॉपुलराइजिंग। उन्होंने नोट लिखा नहीं जल्दी से, जल्दी से खा गया, नॉट पॉपुलराइजिंग विपस्ना थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने काफी कुछ हम लोगों ने किया है, अब क्या किया है उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, आगे भी करेंगे ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, काफी कुछ काम हमने किया। देख तो सवाल है, आई हैव डन 110-day विपस्ना कोर्स, आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, माई बिजनेस रिक्वायर्स टू थिंक वेरी क्विक, क्या लिखता हूं, थिंक ऑफ न्यू इनोवेशन आइडिया वेरी क्विकली, बट आफ्टर विपस्ना आई हैव एक्सपीरियंस्ड स्लोइंग डाउन माई थॉट प्रोसेस, हाउ कैन आई बिकम मोर अप्रोप्रिएट टू परफॉर्म इन माई बिजनेस। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि किसी कि आप क्विकनेस की जगह स्लो हो गए हैं, एक कोर्स और करिए प्लीज। इसमें आपका स्लोनेस प्रोसेस बिल्कुल चला जाएगा, आई कैन अश्योर यू दैट। तो यही कहीं ना कहीं कुछ डर होगा आपके मन में भी, या फिर आपको चिंता होगी, वो जैसे गुरुजी कहते थे कि हाउ डू यू, देखिए एक बड़ी और चीज है बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए कि अगर आप इस समय में जैसे आप हम बैठे हुए हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप में किसी का फोन आ रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कोई, या आपके मन में ये आ रहा है अच्छा आज तो लेट हो गया, शिवाजी कब चुप होंगे ताकि मैं जाऊं,
अभी 7:45 बजे वहां पे 8:15 पहुंचना, आपका दिमाग उधर चला गया, आपको उसकी चिंता सताने लगी। और या फिर बात करते करते अभी सुन रहे थे तो हाँ पुरानी कुछ बात याद आई, यार ये ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता, या यही मन में आया कि अरे मैं विपस्सना पहले क्यों नहीं करता। प्रायोजक टॉप स्पिकल्स इंडियाज फर्स्ट चॉइस। शर्मा जी ने सर्दी से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया, जोर से हाथ मले तो रैश हो गई, इंटरनेट पे पढ़ने की सोची तो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, आग भी जलाई लेकिन उस पे पानी पड़ गया, हीटर ऑन किया तो स्विच ही जल गया, फिर ऊपर वाले अंकल ने बोला डोंट बी अ फूल पहनो लक्स स्कॉच वूल। मिस्टर शर्मा को मिला कुछ खास, लक्स स्कॉच वूल जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। पार्टी बहुत बोरिंग है, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। चिंता मत करो, न्यूट्री स्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना। बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ हो। स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे न्यूट्री स्लिम, मेडिकल्स में उपलब्ध है। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। आ गए जी आ गए। लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर है, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। पेश है इंडिया की नंबर 110cc मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का नया गोल्ड एडिशन, स्टाइल का नया स्टार। सरसों बीज बोना चाहते हो तो कोई और सरसों बीज किस लिए? अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च सरसों बीज अवनी 9 और अवनी 15 बोइए और अधिक उपज लीजिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। गाइस आर क्रेजी अबाउट बॉडी बिल्डिंग, जिसे भी देखो बॉडी बना रहा है, मुझे भी बनानी है ऐसी बॉडी। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्री गेन, मेडिकल्स में उपलब्ध। ब्राउन नहीं रेड। हाय मासी, क्या हो रहा है? सर्दियों की तैयारी। हाँ, टोपी शॉल कंबल बस वही सब, और थर्मल कोई भी ले लूंगी, सब एक से तो है। हाँ? एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो। अब इसमें क्या स्पेशल है? ये भी तो गर्म और पतला होगा। इसमें है माइक्रो पॉली फाइबर्स, जो इसे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चले सालों साल। ये तो काफी मॉडर्न है। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ मॉडर्न हो जाओ। TVS Apache Mac Blue Edition, True Blue Races। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मैं हूँ नई स्वाद चटपटी, चखानों में सेहत दम की, जब भी चाहो मूड बना लो स्वाद चटपटी, बस तुम खा लो स्वाद की।
की नई जायकेदार पेशकश स्वाद चटपटी। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 KMPL वाला माइलेज कबाब TVS स्पोर्ट इस दिवाली सिर्फ 36,880 से। सरसों बीज बोना चाहते हो तो कोई और सरसों बीज किस लिए? अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च सरसों बीज अवनी 9 और अवनी 15 बोइए और अधिक उपज लीजिए। घर एक स्वर्ग होता है, जैसे चाहे रो जियो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जिस ताकत ने मेरे को दुनिया भर में मान सम्मान दिलाया, वही ताकत मेरी प्रॉब्लम बन गई। फिर एक दिन मौसी ने बताया अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, उसके बाद पता चला घर पे रहने का मजा। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। पूरा पेमेंट? नो, गारंटर? नो, इनकम प्रूफ? नो, बस दीजिए 5999 और ले जाओ इसे। हाँ, सरसों बीज बोना चाहते हो तो कोई और सरसों बीज किस लिए? अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च सरसों बीज अवनी 9 और अवनी 15 बोइए और अधिक उपज लीजिए। सर्जेंट राजस्थान, सुखद निवेश, खुशहाल प्रदेश। नवदीप घरेलू आधा चक्की, इसमें गेहूं, चावल, रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती नवदीप घरेलू आधा चक्की। कन्वर्टिंग यू फ्रॉम अ मिजरेबल पर्सन टू नो मिजरेबल, आई एम कन्वर्टिंग यू फ्रॉम अ बैड पर्सन टू अ न्यू गुड पर्सन। I am converting you from a good Hindu to a good bad Hindu to a good Hindu, bad Muslim to a good Muslim. That's all I am converting. That's how he said. So इस प्रकार की चीजें हैं और इसके लाभ ही लाभ हैं। मुझे तो इसमें कोई नुकसान कहीं नजर नहीं आया। जैसे किरण बेदी जी ने कहा कि शुरू के दो तीन दिन कठिन हैं, उस समय तो मन करेगा आपका कि भाग जाऊं, और कई लोग भागते हैं, मैंने देखा है वहां से। लेकिन एक बार आप वहां जम गए तो आपको समझ में आने लगता है कि यही सच्चा रास्ता, सही सीधा रास्ता। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे जो प्रश्न करते हैं उसमें मैं ये कहूंगा कि ये कोई एक जन्म में आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे ये कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है एक दूसरा जन्म लगे, तीसरा जन्म लगे। जैसे कि मैंने कहा कि 15 साल की विपसना करने के बाद भी मैं उस चीज को अपने अंदर कमी महसूस की, मैंने पाया कि डर से घबरा गया। लेकिन क्योंकि थोड़ा किया हुआ था और गुरुजी का सानिध्य था, उनसे बात कर सकता था, मिल गया रास्ता, उसके बाद से कभी नहीं डरा 2008 के बाद। देवीलाल जी पूछते हैं, रिसेंटली आई रेड दैट रमन महर्षि सेड दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू रेंडर टू द वर्ल्ड। हाउ रोल ऑफ विपसना इन सेल्फ रियलाइजेशन, दैट्स द कोर ऑफ विपसना। सेल्फ रियलाइजेशन इज द कोर ऑफ विपसना, द होल थिंग स्टार्ट्स विद दैट and it continues that, and we still don't self realize even 15 years, 10 years from that. Ab phir bhi galtiyan ho jati hain. Self realization is the backbone of a person, aur jis din
सेल्फ रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, उस दिन सच को पा लेंगे, उस दिन तो फिर कुछ चीज रह नहीं जाए। बट हाउ कैन इट बी द ग्रेटेस्ट सर्विस टू द वर्ल्ड, योर सेल्फ रियलाइजेशन, यू आर सेल्फिश, आई मीन टू से दैट। नो, यू आर नॉट सेल्फिश। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स दैट, देखो ये उसके लिए कबीर ने दुआ लिखा ना, उसने क्या कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइज हो गया कि मैं सबसे बुरा हूं, बाकी सामने वाले बुरे नहीं हैं, तब आप आपका जो सेल्फिशनेस है वो तो मेल्ट हो गई। सेल्फिशनेस तो कहीं रही नहीं ना उसके बाद, और सेल्फलेस वर्ल्ड विल बिकम द बेस्ट वर्ल्ड।